सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं तेहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का ये विशेष वेबिनार प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हम एक विशेष प्रोग्राम लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है फेस योगा दिल से। फेस योगा क्या है, क्यों करना चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे और साथ में हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो हमारे साथ आज कोल्हापुर से जानी मानी विशेषज्ञ शिल्पा जी डेगांवकर जुड़ी हुई है। यस, थैंक यू अलका जी, थैंक यू आनंद भाई, और जो भी अभी ये सेशन में जुड़े हैं, जुड़ेंगे, सभी को मैं अभिवादन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और ज्यादा समय न लेते डायरेक्टली अपने टॉपिक पे आती हूँ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मुझे भी शेयर करने का चांस मिले और सभी को वो ट्रिक्स और टेक्निक मिले जिससे चेहरा कैसे दिख रहा है। ठीक है, तो चेहरा जैसे ही हम देखते हैं तो उसके पीछे रहे स्ट्रेस, उसके पीछे जो भी चल रहा है मन में, तो वो चेहरे पे दिखता ही है। चेहरा बोलते हैं ना कि आईना है, आपकी पर्सनालिटी का प्रेजेंटेशन तो चेहरे पे है। आप क्या हो बोलने की जरूरत नहीं है, आपका चेहरा, आपकी आंखें सब बता देगी सामने वाले को। भले आप छुपाने की कोशिश करो, लेकिन जो अंदर है वो समझेगा ही सामने वाले को। ओके, सो फेस योगा जो भी हम करने वाले हैं, दैट इज फॉर ग्लोइंग स्किन, स्लिमिंग आवर फेस। एक तो बात हो गई कि फेस योगा से हमारे चेहरा अच्छा लगेगा, उसके साथ क्या होने वाला है। तो व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग फेस योगा, आपके फूड पाइप को भी एक्सरसाइज मिलने वाला है, थायराइड ग्लैंड्स पे काम होने वाला है, थर्ड आई पे काम होने वाला है, हार्ट चक्र पे काम होने वाला है। सो मेनी बेनिफिट्स विथ यू फेस योगा करते हो तो। और एक क्वेश्चन रहता है कि फेस योगा दिन में कितनी बार करें, और हमारा शेड्यूल इतना टाइट है कि कैसे मैनेज करें। सो नॉट मोर देन 20 to 25 minutes फेस योगा को करने के लिए लगेंगे, और जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तब फेस योगा आप कभी भी कर सकते हैं। लाइक यू आर ड्राइविंग, बंधा हुआ है चेहरा, या यू आर वॉचिंग टीवी, जैसे हम करेंगे प्रैक्टिस तो आपको पता चल जाएगा कि कभी जाते जाते हम लोग फेस योगा के एक दो पोस्चर्स कर सकते हैं। कुछ तो आप करते ही हो फेस योगा। ओके, सिर्फ आपको पता नहीं है कि इसे ये फेस योगा का पोस्चर है। ठीक है, अभी बोले गुस्सा आ गया तो करते हैं ना हम लोग, किसी को खुन्नस दिखाना है तो इस तरह से चेहरा तो होता है कि दांत एक दूसरे पे, लोअर जॉ और अपर जॉ मिला हुआ है, आंखें बड़ी हो गई है, ये गुस्से का पोस्चर फेस योगा ही है। वहां पे विथ इमोशन, ड्यू टू इमोशन, गुस्सा आया है, खुन्नस दिखानी है तो अपने आप आ जाता है। यहाँ पे हम एंजॉय करते हुए करने वाले हैं, दैट इज द डिफरेंस। ओके, वो जब गुस्सा आया है तो गुस्सा कम होने के लिए टाइम लगेगा, वो गुस्सा के जो इमोशंस अंदर है उसकी वजह से फिर से चेहरे चेहरे का रंग उतर जाएगा। यहाँ पे जब करेंगे तो खुशी से कर रहे हैं तो चेहरे का रंग निखरेगा, चमकेगा। ओके, सो फेस योगा दिल से, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। विद अ वंडरफुल स्माइल विल स्टार्ट द प्रेजेंटेशन, विल डू द एक्सरसाइज।
फुल मस्ती में करना है, क्योंकि जो खुशी हमें अंदर में से, यस सुचेता जी इतनी खुश दिख ही रही है, ओके तो वो खुशी जो है ना अंदर की, वो चेहरे पे आती है. तो फेस योगा नॉट ओनली रिलेटेड टू फेशियल एक्सरसाइज बट इनर ब्यूटी भी उससे जुड़ी है. हाँ, तो हम लोग हार्ट पे भी काम कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड हो, फॉरगिवनेस हो, लव हो, कंपैशन है फॉर अदर्स एंड फॉर सेल्फ, सब लेके साथ में चलना है और आगे बढ़ना है दिल से. ओके, आर यू रेडी? दिल से खुश है सब? ओके, सो गिविंग द सिग्नल, यस आई एम रेडी. ओके, थैंक यू सो मच. आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. सो फेस योगा दिल से, ये एमपी के फिटनेस कल्याणम योगा केंद्र की तरफ से, योगा डांस स्टूडियो की तरफ से आपका इस सेशन में स्वागत है. ऑफलाइन ऑनलाइन हमारे आज तक बहुत सारे वर्कशॉप्स हो चुके हैं और ये रहा हमारा 31st वर्कशॉप ऑफ फेस योगा इन एमपी के फिटनेस क्लासेस एंड कल्याणम योगा केंद्र. अलका जी बार बार आनंद आ रहा है मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली, तो आनंद ही है आपके साथ जुड़ने का, ठीक है? तो वो जो अंदर की इमोशंस है वो अपने आप शब्दों में आ रही है, आपकी कृपा है देखो. यस, सो आनंद भाई के साथ है ना, आनंद भाई के साथ है, इसलिए आनंद आनंद बांटते ही रहेंगे और लेते ही रहेंगे. यस यस, आनंद है ही, बहुत परमानंद है. ओके, परमानंद. यस, चलो पहले सभी अपना एक सेल्फी निकाल लेंगे. पहला हर एक काम है अपने, हर किसी का पसंद का काम है कि बिफोर द सेशन एंड आफ्टर द सेशन हर कोई अपना एक सेल्फी लेगा एंड देन यू विल डिफरेंशिएट व्हाट इज द डिफरेंस इन योर ओन फेस ड्यू टू वन सेशन. एक 30-35 सेकंड मैं ब्रेक लेती हूँ, मतलब यहीं पे हूँ, आप अपना सेल्फी निकालो. जूम मीटिंग चालू रहती है, साइड में स्लाइड करके आप अपना सेल्फी निकालो. बिफोर एंड आफ्टर सेल्फी इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, दैट्स व्हाई, क्यों इम्पॉर्टेंट है, आपको पता चलेगा कि एक सेशन करने के बाद चेहरे में फर्क आता है. सो जस्ट अपना एक फर्स्ट क्लास से सेल्फी नक्शे निकालो, पाउट भी दो सेल्फी की पोज, आपका एज डजंट मैटर, आप लेडीज हो जेंट्स हो, पाउट इज अ फेस योगा, पाउट इज अ फेस पोस्चर. चलो कैमरा ले लो और एक अच्छी सी अपनी सेल्फी निकालो, पाउट करो. यस, दैट्स इट, फैंटास्टिक, ग्रेट. और सिर्फ निकालने के लिए नहीं कहा है, आप जब आप पहला वाला और बाद का दोनों भी सेल्फीज कोलाज करके आप अपने ग्रुप में शेयर करने वाले हो, दैट इज द आउटपुट ऑफ टुडेज सेशन. यस, पक्का सेल्फी इनिशियल एंड फाइनल आपको शेयर करनी है. जिस किसी से, किसी ग्रुप से आपको ये मिला है आज का इनविटेशन, उस ग्रुप में आप जरूर कीजिए. मेरे जो सारे ग्रुप्स हैं मैं उसके सेटिंग्स और ये कर दूंगी, सो एवरीवन कैन शेयर देयर कोलाज पिक्स बिफोर एंड आफ्टर. ये हमें महसूस होना है कि एक सेशन में चेहरे में फर्क आता है एंड दैट इज, ये कुछ एडवर्टाइजमेंट नहीं है. सी, अगर संतूर की एड करते हैं तो बोलती है ना कि संतूर माँ, मेरे त्वचा से मेरे उम्र का पता ही नहीं चलता. अरे वो बाहर की त्वचा है, अपर लेयर, जहाँ पे सोप काम कितनी देर करता है, हम लोग अंदर से काम कर रहे हैं. अभी ये सेशन होने के बाद, लास्ट सेशन हमारा एक पर्सनल हुआ था, तब अलका जी बोली थी कि मैं 10 दिन ब्रेक लेती हूँ, फेस योगा करती हूँ एंड बाद में आती हूँ, तो सभी लोग बोल रहे हैं अलका जी ने आपने बेटी को भेजा है लगता है आज सेशन के लिए, इतने चेंजेस लाइक फेस योगा एडवर्टाइजमेंट मैं बोल रही हूँ. तो यू विल लुक यंगर, यू विल लुक यंगर बाय प्रैक्टिसिंग फेस योगा. ओके, तो व्हाट डज फेस रिप्रेजेंट, फेस रिप्रेजेंट क्या करता है, फेस क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे बोला कि अंदर क्या है, दैट इज गोइंग टू कम ऑन योर फेस. फेस पे वो आएगा ही, आपकी खुशी है, आपकी अचीवमेंट है,
आपका दर्द है, पैर में भी दर्द है तो चेहरे पे है, दांत दुख रहा है तो भी चेहरे पे दिखता है, तो जो भी शरीर में हो रहा है मेरे वो चेहरे पे आने ही वाला है। होप यू ऑल आर एग्री विद यू। मन में जो चल रहा है वो चेहरे पे आता है, बॉडी में जो हो रहा है वो भी चेहरे पे आता ही है। सो व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू इन दिस सेशन, तो वी आर गोइंग टू डू सम फेशियल एक्सरसाइज, वी आर गोइंग टू लर्न फ्यू ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वी आर गोइंग टू डू इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। जो भी फेस योगा में जुड़ा है पूरे वर्कशॉप में जो भी चीजें है, थोड़ी थोड़ी हर एक चीज में आज करवाने वाली हूँ आप लोगों से। सो एक क्वेश्चन पूरे सेशन में आप इसके बारे में सोचते रहो और अंत में आप मुझे जवाब देने वाले। What do you mean by beauty? आपके दिमाग में ब्यूटी, सुंदरता क्या है, क्या बातें, आप कौन सी चीजें आपको सुंदर लगती है और क्यों लगती है, और सबसे दुनिया का खूबसूरत चीज, सबसे दुनिया की प्रेशियस थिंग आपके मन में क्या है, आपको क्या लगता है कि दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। ये मत कहना कि शिल्पा जी आप बहुत सुंदर हो। मैं तो सुंदर हूँ, मैं खुद बोलूंगी, कोई बोले ना बोले मुझे तो मैं सुंदर ही लगती हूँ। हाँ मैं मस्त हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सुंदर हूँ। ओके, तो आप सोचना कि दुनिया में सबसे सुंदर क्या है, सबसे प्रेशियस क्या है, वो आप सोचो और एंड में मुझे जवाब दो। यस, थोड़ा जो भी साइंटिफिक नॉलेज है वो भी मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये फेस, जो अभी हमने कहा कि फेस तो रिप्रेजेंट करता है हमारे इमोशंस को, हमारे अंदर की जो स्पिरिट है, हमारे अंदर क्या चल रहा है, कितना जुनून है, कितना पैशन है, क्या कितनी खुशी है, कितना दर्द है, एवरीथिंग कम्स ऑन द फेशियल पार्ट्स ऑफ द स्किन। नाउ अंदर क्या है, जो भी फेस है हमारे, ये स्किन है, ये अपर लेयर ऑफ द स्किन, उसके नीचे क्या है, सो इतने सारे मसल्स, ये इतने सारे मसल्स हमारे चेहरे में है। देयर आर 20 मसल्स इन आवर फेस, कैन यू इमेजिन, जो हम फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं, गुस्सा है, प्यार है, खुशी है, नाराजगी है, मन नहीं कर रहा है, ये सारे एक्सप्रेशन देने के लिए क्या इतने मसल्स काम आते हैं। तो जो भी हम फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं, इट इज नथिंग बट फेस योगा। जो भी डांस करते हैं, जो ड्रामा में है, उनको वो जो सब एक्सप्रेशन देने की जरूरत है, तो दे नीड फेस योगा। जितने भी ये मसल्स फ्लेक्सिबल रहेंगे, उतने फेशियल एक्सप्रेशन आपके अच्छे रहेंगे। ओके, ड्रामा तो हर किसी को करना पड़ता है, जो कोई काम नहीं कर रहा है, घर में है, सब मैनेज करने के लिए भी कभी कभी मैं गुस्से में हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, ये हम ड्रामा, माएँ तो ये ड्रामा करने में बेहतर, सबसे बढ़िया होती है कि बच्चों से काम करवाना है तो कभी प्यार से, कभी गुस्से से, तो ये ड्रामा ही तो है। पति से भी कुछ करवाना है, हा? अच्छे के लिए है तो भी हमें कभी कभी ड्रामा करना पड़ता है, हा? तो फेशियल मसल्स है, ये अंदर की बात है, फेशियल स्किन की। और चेहरे पे क्या दिख रहा है आजकल, ड्यू टू स्ट्रेस है, ड्यू टू तनाव है बहुत सारे, तो प्री मैच्योर एजिंग दिख रहा है। बाहर क्या दिख रहा है, प्री मैच्योर एजिंग दिख रहा है, राइट? उसके बाद एजिंग तो होने ही वाला है, रिंकल्स है, सैगिंग है, चेहरा मतलब लूज हो रही है स्किन, डबल चिन आई हुई है, क्रो फीट मतलब आंख के यहाँ पे झुर्रियां जो आती है, लाफिंग लाइन्स, हम जब स्माइल देते हैं तो बहुत ये लूज हो जाता है, आई बैग्स है, डार्क सर्कल है, डल स्किन है, स्किन को कुछ कितना भी कुछ करो फ्रेश ही नहीं लगती है, मतलब स्मूथ नहीं लगती है। बहुत सारे चेहरे के प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, और जब ये मिरर के सामने खड़े रहते हैं तो लगता है कि अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा है, वैसा है, ये मुझे पसंद नहीं, तो ये सारी बातें हमारे चेहरे पे है, ठीक है? इसमें से हम बहुत सारी बातों पे फेस योगा के थ्रू काम कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विथ फेशियल पोस्चर्स, फेस मसल एक्सरसाइज एंड लर्न हाउ टू गेट रीड ऑफ, और ये कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो कम कैसे करें, ये हमें देखना है। ओके, मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करती हूँ,
We'll do some exercise face yoga ke and then we'll again go for the presentation. मैंने भी अपने Zoom के profile को अपने बेटी का photo लगवा के रखा है ताकि face yoga का advertise हो. Yes, apart from the joke, see, we are going to look younger by face yoga. 4 साल 5 साल skin वैसे हो जाएगी और मैं अगर मैं 50s की हूँ तो मैं 20-25 की नहीं दिखूंगी. That is nature. जो नेचर से एज है वो तो आएगा. दैट आई हैव टू एक्सेप्ट इट बट आई हैव टू मेंटेन इट. जो नेचुरल एजिंग है उसका रेट हम रिटार्ड कर सकते हैं. स्ट्रेस की वजह से जो भी एजिंग प्री मैच्योर एजिंग, मतलब मैं हूँ 30s की लेकिन मेरा चेहरा 50s जैसा दिखता है, दैट कैन बी रिड्यूस्ड बिकॉज इट इज ऑफ स्ट्रेस एंड नॉट बाय नेचर. ओके, दैट इज मैन मेड. मैंने लिया हुआ बर्डन है. So that can be work it out. Okay, चलो आप सभी ready हो. चलो comfortably बैठो, आराम से बैठो, कोई tension नहीं. जरा shoulders को हिलाना, backward, forward, simple twist लेना. इतना मस्त fog है कोल्हापुर में. चलो, yes, relax. लंबी गहरी सांस लो, सांस छोड़ो. लंबी गहरी सांस लेनी है और अभी मुंह से छोड़नी है. चलो सांस लो आराम से, डीपली एंड कंप्लीटली. मुंह से छोड़ो, गाल फुलाओ. वन मोर, रिलैक्स रिलैक्स. रिस्ट को थोड़ा रोटेट करना. ओके, फिंगर्स. ओके, चलो अपनी गर्दन राइट साइड होल्ड करो. ब्रीद आउट, लेफ्ट. ब्रीद आउट, रिलैक्स. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. तो हमारी जॉ लाइन एंड डबल चिन, ये एरिया भी जो है यहाँ पे भी रिंकल्स, स्किन लूज हो रही है. हाँ, तो स्किन टाइटनिंग चाहिए, योगा वही करता है. चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सरसाइज. आप अपने कॉलर बोन, यहाँ पे जो कॉलर बोन है वहां पे जस्ट फर्स्ट टू फिंगर से यहाँ पे जस्ट होल्ड करना है. थोड़े स्किन नीचे की तरफ आप थोड़ा खींचोगे, जितना बेरेबल है, जितना आप कर सकते हो. बहुत जोर से नहीं खींचना है, अपना चेहरा है, अपनी स्किन है, प्यार से. हाँ, थोड़ा नीचे खींचिए और गर्दन धीरे धीरे ऊपर, सीलिंग की तरफ देखना है बस. एंड फील द स्ट्रेच ऑन योर थ्रोट एरिया. फील द स्ट्रेच. एक्सहेल थ्रू योर माउथ आराम से. सांस लेते सांस आराम से लो, आराम से छोड़ो. ब्रीद इन एंड वाइल ब्रीदिंग आउट आराम से मान गर्दन जो है वो सीधी करेंगे आप. यस, क्या महसूस हो रहा है? यहाँ पे पूरा स्ट्रेचिंग फील होता है, हो रहा है? करेक्ट. विल डू वन मोर टाइम. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप फेस योगा करोगे तो बहुत आराम से करना है एंड आराम से वो पोस्चर छोड़ना है. इसका रीजन ये है, मसल फाइबर्स जो है, ये फाइबर्स इलास्टिक इन नेचर है. दे आर इलास्टिक इन नेचर. जब भी आप कोई इलास्टिक हो उसको स्ट्रेच करते हो और छोड़ते हो, सपोज बहुत जोर से स्ट्रेच किया है, छोड़ दिया, तो वो टूट सकता है. वैसे हमारे फेशियल फाइबर्स जो है, मसल फाइबर्स अंदर टूट जाएंगे. इट्स अ नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म. रिपेयर तो अंदर के अंदर ही होने वाला है, बट इट विल टेक टाइम. और वो दिखेगा भी नहीं बाहर, तो भी डैमेज तो हुआ है. सो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है फेस योगा की. आप जब भी वीडियोस देखते हो, यूट्यूब पे देखोगे, बहुत सारा मिलेगा आपको देखने के लिए, लेकिन ये बातें कोई नहीं बताएगा कि फेशियल मसल्स आर इलास्टिक इन नेचर. सो आराम से पोज लेनी है. और अगर हम जैसे प्राणायाम में सांस लेते हैं 4 काउंट में और छोड़ते हैं 8 काउंट में,
वैसे ही अगर पोज लिया चार काउंट में तो छोड़ना आठ काउंट में है, इतनी आराम से हमें वो पोस्चर छोड़ना है। ओके यस, चलो विल डू। कॉलर बोन को आप पकड़ रहे हो, आराम से ऊपर, फील द स्ट्रेच अपने पूरे थ्रोट एरिया में, रीजन में, डबल चिन में आप फील करो। और अभी थोड़ा लोअर जॉ जो है वो अप करो, लोअर जॉ। लोअर जॉ डाउन और बहुत आराम से धीरे से अपनी गर्दन सीधी करो। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। यस फैंटास्टिक। सांस लो, सांस छोड़ो। फेस योगा का बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है, तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। थॉटलेस स्टेट आपको आनी ही वाली है। विचार मेरे मन से गए फॉर अ मोमेंट तो ब्रेन को जो रिलैक्सेशन मिलता है दैट इज काउंटलेस, आप वो बहुत प्रेशियस है। तो फेस योगा के सेशन में आप वो महसूस करने वाले हो, ठीक है। तो अभी का जो एक्सरसाइज हो गया वो यहाँ पे जो लूजन स्किन है या रिंकल्स है उसके लिए, डबल चिन के लिए भी ये काम करेगा। और देखो जब आप ये करते हो तो थ्रोट चक्रा पे भी काम है अपना, फूड पाइप जो है वो उसको स्ट्रेचिंग मिल रहा है तो डाइजेशन भी इम्प्रूव होने वाला है। ओके जो भी आर्टिस्ट है, मतलब जो सिंगर्स है उनके लिए एक्सरसाइज बहुत बड़ा है। वोकल कॉर्ड को भी एक्सरसाइज मिल रहा है। पर्टिकुलरली सिंगर्स आ रहे हैं कि हमें फेस योगा सीखना है बिकॉज इट इज गिविंग बेटर रिजल्ट्स फॉर सिंगिंग, वॉइस स्पीच, वॉइस टोन में उसके फर्क महसूस किए हैं। अपना जो ये पूरा योग है इंडिया का, मैं हमेशा बोलती हूँ हमारे पास है लेकिन हमें वो उसका क्या हम पढ़ाई नहीं करते हैं, वो उसके बारे में जानते नहीं है, हमारे बाकी कामों में है। तो ये अपनी धरोहर है, इसमें जो चाहे वो मिल जाएगा। कुलजा सिंसिम है, कुलजा सिंसिम है। सो हम लोग तो बहुत लकी है, भाग्यशाली है जो ये सीख रहे हैं। चलो कमिंग टू नेक्स्ट, अभी हम क्या करने वाले हैं ये सबसे सबका पसंदीदा एक्सरसाइज रहेगा, पाउट करना है। हाँ सो पाउट इज अ फेस योगा। पाउट जो है वो फेस योगा का ही पोस्चर है। तो देखो आप दिन में कितनी बार पाउट कर सकते हो, अपने बच्चे को उठाओ, उसकी किसी लो और किसी की भी ले सकते हो और बोलना ये फेस योगा है, मैं आपके लिए नहीं कर रही हूँ, मेरे लिए नहीं कर रही हूँ, फेस योगा का काम कर रही हूँ ताकि मेरा फेस स्लिम लगे। जब हम पाउट करते हैं हाँ, तो देखो आपकी पूरी उसको ताकत लगानी, जो इजी नहीं करना है, थोड़ा स्ट्रेचिंग होना चाहिए। तो मैं पाउट करूंगी और लोअर लिप जो है वो थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश करूंगी लाइक दिस। ये पाउट किया एंड देखो पाउट ले करना है, लोअर जॉ लोअर लिप थोड़ा उठाना है ताकि पूरी गर्दन को ये सारे मसल्स को स्ट्रेच मिले। होल्ड करना है, फिर लोअर जॉ जगह पे लाना है एंड देन गर्दन। ये फ्रंट फेस हो गया। सेम पोस्चर मैं लेफ्ट साइड टर्न होके भी करने वाली हूँ, राइट साइड टर्न होके भी करने वाली हूँ, ये पूरे डबल चिन के लिए है। ओके तो पहले हम फ्रंट लुक में करेंगे ये वीडियो पूरा लाइव रिकॉर्डेड है, आप पहले समझ के कर लो एंड देन लिख लो, पहले एंजॉय करो, कहीं नहीं जाने वाला। हाँ और एमपीके फिटनेस से तो मैं जुड़ी हूँ, घर की मेंबर हूँ, आप जब भी बुलाओगे मैं हाजिर हूँ, ये एक पुण्य का काम है तो आप कभी भी बुलाओ, मैं हूँ हमेशा के लिए हूँ। तो एंजॉय करो आज का सेशन। ओके चलो मैंने क्या किया, अभी पाउट ले करना है मुझे, पाउट किया, लोअर जॉ अप करो, लोअर लिप अप करो। सीधी करो गर्दन, पोस्चर सेम, गर्दन अभी दाहिने घुमाओ, पोस्चर सेम,
धीरे से अपना चेहरा सामने लेके आओ, फ्रंट में पोस्चर बिना छोड़े। मुझे बात करनी है, दैट्स व्हाई मुझे छोड़ना पड़ रहा है। और अभी धीरे से अपना लिप और जॉ जो है वो नॉर्मल लाओ और धीरे से पाउट छोड़ दो। लंबी गहरी सांस लो, सांस छोड़ो। क्या फील हो रहा है? शिल्पा जी एक बार बिना आवाज के साइलेंट रहते हुए करके दिखाइए। ओके ओके ठीक है। देखो इतना पूरा खुद में जाना है, आराम से वो महसूस करना है, वो स्ट्रेचेस कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, और आराम से ले लो। इतनी आराम से मूवमेंट हमने जिंदगी में कभी नहीं की है, उतना करना, इतना धीरे से। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस बहुत अच्छा, वेरी गुड। और जैसे भी करोगे ना तो एक खुशी महसूस होनी वाली है, होती ही है, क्योंकि जब हम ये फेशियल मसल्स आर वेरी डेलिकेट वो फेशियल मसल्स पे काम कर रहे हो, तो दो आई एम वर्किंग विथ माय फेशियल मसल्स, मेरी पूरी अंदर की ताकत वहां पे लगने वाली है। एंड बहुत खुश होंगे आप ये जान के एक सेशन में कम से कम 200 ग्राम और ज्यादा से ज्यादा 500 ग्राम्स वेट लॉस होता है, क्योंकि जो भी स्ट्रेस से भरा हुआ है ना अपना शरीर, जो भी स्ट्रेस की वजह से वेट दिखता है, वो स्ट्रेस रिलीज हो गया तो इमीडिएट ये रिजल्ट्स है। बीपी नॉर्मल होते हैं आफ्टर द सेशन, बिकॉज व्हेन यू आर होल्डिंग दिस स्टेट विद द लोअर जॉ अप किया हुआ, तो एक मोमेंट ये तो थॉट कम हो गया तो बीपी भी नॉर्मल होते हैं, ये रिपोर्ट्स है। बिकॉज हमने पहले के सेशन जो है वो अंडर मेडिकल ऑब्जर्वेशन किए थे शुरू के दिनों में सेशन की, हमें रिकॉर्ड क्या इफेक्ट होता है, दैट शुड बी पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए। ओके चलो नेक्स्ट करते हैं। चेहरा अभी हमें स्लिम, ये तो डबल चिन का हो गया, अभी हम ये चिक बोन्स और फेस जो प्रॉपर चीक्स है इसका जो भी तो ऑन है ऑडियो, तो कृपया अपना माइक ऑफ कीजिए, धन्यवाद। हाँ तो पफिनेस जो है यहाँ पे तो वो हमें कम करना है, ठीक है। तो क्या करना है, देखो ये तो हमने बचपन में सभी ने किया है, हवा आद भरनी है, गालों में हवा भरनी है और अंदर जो हवा है उससे हमें प्रेशर देना है मसल्स पे। हाँ मैं बचपन में हम बोलते हैं कि ये करो और सिर्फ करना नहीं है, अंदर से प्रेशर देना है, एंड वी आर गोइंग टू होल्ड द पोस्चर फॉर 10 काउंट्स। मैं बोल नहीं पाऊंगी तो मैं इशारों से 10 काउंट लूंगी, जैसे ही 10 काउंट कम होता है बहुत धीरे से गाल जो है, मैंने वही बोला कि ये करते वक्त हमें क्या करना है, जो लेते हैं पोस्चर वो धीरे से पोस्चर छोड़ना है, धीरे से हम जो हवा है भरी हुई गालों में वो मुंह से छोड़ेंगे और धीरे से गाल नॉर्मल लाएंगे। ये होने के बाद आपको अंदर टिंगलिंग महसूस होगा, यहाँ पे थोड़ा दर्द भी महसूस हो सकता है, इतना कभी फेस ने काम किया ही नहीं है आज तक हमारे। ये करवाया हमने बच्चों से भी करवाया, चलो करो, फोड़ते थे ऐसे करते थे ना बचपन में, लेकिन देखो ये कितनी गलत बात है। ये पहले स्ट्रेच करवाया और फट से मारा तो इलास्टिक फाइबर्स जो है वो फट से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दैट इज डैमेजिंग योर फेस, तो ऐसे नहीं करना है। ओके चलो देन साथ में करते हैं, ये बहुत डिफिकल्ट तो है नहीं,
तो मैंने पहले अपनी पूरी हवा लेनी है अंदर गाल में. रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स. लंबी गहरी सांस लो, सांस छोड़ो, मुंह से छोड़ो. ओके, इतनी देर कभी हम लोगों ने इस तरह से प्रेशर नहीं दिया है गालों पे अंदर से. तो स्ट्रेचिंग हो रहा है मसल्स का, उसको रिलैक्सिंग करेंगे. ड्यू टू दैट मसल्स का टोनिंग हो जाएगा. अतिरिक्त फैट जो है, जैसे बॉडी पे योगा काम करता है, एक्सरसाइज काम करता है, सेम वे हम आप यहाँ पे दे रहे हैं एक्सरसाइज. सेम हाँ, 7:11 हो रहे हैं, थोड़ा दो या तीन एक्सरसाइज और हमें करने हैं. चलो, आंख का भी देखना है, फोरहेड का भी देखना है. चलो, यही करना है. लेकिन अभी जो हवा है हम लोगों ने गालों में भरी थी, तो मैंने अपर लिप्स के एरिया में होल्ड करनी है एंड लोअर लिप्स के एरिया में होल्ड करनी है. आपको आप मेरे साथ ही करोगे. बात तो कुछ करनी नहीं है, मैं हाथों से इशारा करने वाले. चलो, ब्रीद इन एंड होल्ड द एयर इन योर. आराम से नॉर्मल फेस लेके आओ. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स. सांस लो, सांस छोड़ो. ये आपको अगर फेस फैट ज्यादा है तो दिन में हम आप ये अभी अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये एक साथ दो या तीन बार करना है. दोपहर को कभी टाइम है तो फिर से, रात को कभी टाइम है तो फिर से. ठीक है, तो ये फेस फैट को कम करने वाला है. और ये अंदर मतलब फुलाया बाहर, और छोड़ने के बाद पैरेट पोज बोलते हैं इसको. ये करना है ताकि दोनों डायरेक्शन में मसल्स को हमने स्ट्रेचिंग दिया, अंदर भी और बाहर भी. ओके, सो आई बैग्स के लिए और पफिनेस जो आंखों को आता है उसके लिए, या हम स्क्रीन बहुत यूज कर रहे हैं तो स्क्रीन का जो इफेक्ट है आंखों पे वो कम करने के लिए हम आंखों के लिए एक्सरसाइज देखते हैं. चलो, अपने फर्स्ट टू फिंगर्स लो. स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर आईब्रो एंड एंड पॉइंट ऑफ योर आईब्रो पकड़नी है. ओके, एंड लिफ्ट करनी है, बस लिफ्ट करो. हाँ, लिफ्ट करो और जमीन की तरफ देखो, नीचे देखो. आईलीड्स को अपनी आईलीड्स को नीचे लेनी है. आईलीड्स नीचे है, एज गुड एज आंख बंद है. और थोड़ा स्ट्रेचिंग दो आंखों को, आईलीड्स को. यस, रिलैक्स आईलीड्स. नॉर्मल प्रेशर कम करो, हाथ निकालो, आंख बंद रहने दो. जस्ट फील द स्ट्रेच.
आंखों की जो मसल्स है उनको रिलैक्स करो. ब्रीद इन स्लोली एंड ब्रीद आउट कंप्लीटली. आंख बंद रहने दो. अभी आंख आपकी बंद है, आंखें बंद है, लेकिन आईबॉल्स जो है उनको एक्सरसाइज देंगे हम. जैसे घड़ी की सुइयां है, वॉल क्लॉक जैसे, या क्लॉक के जो हैंड्स है जैसे घूमते हैं, वैसे हमारे आईबॉल्स को लेना है. मैं नंबर्स काउंट करूंगी. जैसे 12 बजते हैं, किसी किसी के चेहरे पे भी हमेशा 12 बजे हुए रहते हैं, है ना. तो हम तो 12 के लिए काम नहीं कर रहे, हम तो हमेशा खुशी का नंबर चेहरे पे दिखाने का काम कर रहे हैं. लेकिन अभी 12 के पोजीशन में आई बॉल्स लेके आओ. दोनों भी आई बॉल्स, आंखों की जो भी आई बॉल्स है अपनी, वो लाइक टेक अपर एट द अपर एंड ऑफ योर आईज. ओके, घुमाओ. 1 बज रहा है अभी, 2 बज रहे हैं, आई बॉल्स को हिलाओ अंदर से. 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. होल्ड. रिवर्स जाना है अभी. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and again to the 12. Fantastic, well done. आँख के मसल्स है या अंदर उनके, आराम से, हमने इतना कभी नोटिस किया भी नहीं. रिलैक्स करो अपनी पूरी आँख, अंदर की जो भी मसल्स है, जो भी है. डीपली रिलैक्सेशन दो आँखों को. फैंटास्टिक, कितना सुकून महसूस हो रहा है, कूलिंग हो रहा है, रिलैक्सेशन मिल रहा है, एक चमक आ रही है आँखों में. फैंटास्टिक. जस्ट नाउ रब योर पाम्स, जनरेट सम हीट. अच्छे से हाथ को गर्म करना है. एंड बिना आंख खोले हमें वो गर्मी जो है, वार्म्थ जो है, वो आंखों को देनी है. दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखो. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. पूरे चेहरे पे दो वो प्यार से हाथ लगाओ अपने चेहरे को. And commit yourself that you are going to take care of your face. Breathe in deeply and breathe out completely. सांस को पूरी तरह से लेना है अंदर तक. पूरी अपने chest, पूरी chest अच्छा सांस लो और धीरे से सांस छोड़ो. And now जो भी खुशी हमें मिली है, वार्म्थ महसूस हुई है अपनी ही हाथों से, आंखों को थोड़ा रिलैक्स करके, तो वो सारी खुशी अभी जब भी आप आंख खोलोगे तो नजर आएगी. तो अच्छे से आराम से आंख खोलो विथ अ स्माइल, वंडरफुल स्माइल. यस, दैट्स इट, मैजिकल, राइट. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. यस. ओके, लास्ट पॉइंट करते हैं हम लोग. इंडेक्स फिंगर लो और थर्ड आई पे आ जाओ. जस्ट स्टार्ट टैपिंग इट. जस्ट सांस मुंह से छोड़ते रहो. आंखों के यहाँ आओ. जस्ट टैप इट. सांस छोड़ो. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. Under your nose, lips under. Chin pe, collarbone. Exhale through your mouth. Sit tall. Apne shoulders pe. लेफ्ट शोल्डर हो, राइट शोल्डर हो, स्विच द साइड.
थोड़ा खुद को शाबाशी दो, वेल डन शिल्पा, वेल डन शिल्पा, खुद को बोलो अपना नाम लेके, बहुत अच्छा कर रही हो, खुद का ख्याल रखती हो, डेली एक्सरसाइज करती हो, यू आर फंटास्टिक। ओके, क्राउन पे आ जाओ, क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट, कीप टैपिंग, क्लोज योर आईज, फील द वाइब्रेशंस, कीप टैपिंग, ब्रीद इन डीपली एंड ब्रीद आउट कंप्लीटली, हल्के हल्के टैप करना है। Yes, it is safe to release, it is safe to release, it is safe to release, release all your tension, worries, anxiety, release, 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 वहीं पे हाथ रखो और रुक जाओ टैपिंग करना, and just for a minute you feel the vibration, feel the calmness, एक शांति महसूस हो रही है, सुकून महसूस हो रहा है। सांस अगर फास्ट हो रही है तो होने दो, धीरे है तो धीरे रहो, जो नेचुरली चल रहा है उसे चलने दो, बदलने की कोशिश मत करो। आराम से हाथ निकालो, धीरे से टेक योर हैंड ऑन योर लैप्स, आंखें बंद है, I am beautiful. I'm smart. I am beautiful. I'm smart. I am comfortable in my own skin. I am comfortable in my own skin. I am beautiful. I am smart. I am comfortable in my own skin. I am the beautiful creation of the God. I'm beautiful creation of the nature. The most beautiful thing in the world. The most beautiful thing, most beautiful creation in the world. No one else, my dear friends, that is you, you and only you. So tell yourself, I am the most beautiful creation of the God. I am the most beautiful and the beautiful creation of the God. Thank you, thank you, thank you. Express your gratitude towards your higher spirit, to your soul, to the God, to the universe, to the cosmos, for giving this beautiful body, beautiful face, beautiful feelings, beautiful team. We are thankful to, we are thankful to all members of this group. We are thankful to known, unknown souls, angels, holy angels, archangels, for joining this session. We are thankful to our parents, teachers, spiritual guide, family members, friends, relatives, everyone, everyone for the support, for the motivation, for the guidance. We are thankful to divine love, divine energy, divine guidance, divine power and divine will. We are thankful to all technicians for making today's session possible. Thank you, thank you, thank you. Rub your palms, generate some heat.
दो ही स्लाइड्स बची है, सो जस्ट आई एम टेकिंग मोर 2 मिनट्स, नॉट 2 या 3 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट. आपके सवालों के जवाब तो आपको मिल गए हैं, राइट? कि व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड, दैट इज यू. एक मिनट. आपकी अभी इमोशंस क्या है वो चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो, क्या महसूस हो रहा है. यस, जो बोला था कि आफ्टर द सेशन यू हैव टू टेक द वन मोर सेल्फी, तो आप एक वो सेल्फी ले सकते हो. सेल्फी तो लेना है, मैं आगे की स्लाइड में दिखाने वाली हूँ. आपके सेल्फीज आने चाहिए. मैंने आज आपको किसी को ज्यादा बात करने के लिए मौका नहीं दिया है, तो मुझे तो सेल्फी चाहिए आप लोगों की. ओके, आनंद भाई जी और अलका जी, जितने भी सेल्फीज आए सब मुझे फॉरवर्ड करना है. यस यस. तो अभी हमने जो किया ना, वो बोलते हैं उसको इमोशनल फ्रीडम टेक्निक. हम लोगों ने जो भी इमोशंस अपने चेहरे पे डिपॉजिट हुई थी या मन पे उसका बर्डन था, सब निकालने की कोशिश की. तो ये लगातार प्रैक्टिस करने से बहुत ही फायदे होते हैं. चेहरे में ग्लो अपने आप आ ही जाता है ड्यू टू दिस टैपिंग टेक्निक. और हमने शिव तांडव नृत्य किया था ब्रेन योगा के सेशन में, दैट इज ऑल्सो टैपिंग. सो कुछ म्यूजिक के साथ भी टैपिंग बहुत ही फंटास्टिक जर्नी है या मेथड है, वो हम करने वाले हैं. सो हम लोगों ने कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, एंटी एजिंग मसाज भी उसमें आता है, फेस योगा में बैलेंसिंग ऑफ अवर हार्ट चक्रा बाय फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड, ये सब हमें करना है. हम ये सब करते हैं फेस योगा में. ओके, तो आज हमने जब एक झलक देखी है फेस योगा की, आई वॉन्टेड टू ब्यूटी की डेफिनेशन मैंने आपको पूछी थी, तो आप अगर कोई शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं. ब्यूटी की डेफिनेशन चैट बॉक्स में करें. व्हाट डू यू थिंक? आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है. मन की, हाँ, मन की सुंदरता ही ब्यूटी है. थैंक यू सर, चंदू सर, थैंक यू सर. चंदू तुक्कड़ इज फ्रॉम दुबई. ओ वाओ, फैंटास्टिक, वेलकम सर, वेलकम. ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरी फ्रेंड है चंदू तुक्कड़, वो रोज ज्वाइन करती है. ओके 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 ओके. तो देखो, आज हमारा जो है कल्चर है या हमारी जो संस्कृति है, शी इज इंडियन, नो डाउट अबाउट इट, पर इसपे फायदे जो भी बेनिफिट्स है वो बाहर के लोग ले रहे हैं और हम इससे वंचित है या हमें नहीं मिल रहा है. तो हमें ही एफर्ट्स लेना है, हमारा जो भी धरोहर है, हमारी जो संस्कृति है, उसे आगे बढ़ाना, ये हमारा मिशन है लाइफ का. थैंक यू चैत्राली. चैत्राली इज रेकी हीलर फ्रॉम कोल्हापुर, थैंक्स जॉइनिंग. थैंक यू स्मिता मैम, थैंक यू, थैंक यू. सो ब्यूटी इज द मन की सुंदरता है, जो भी दिल को छू जाए वो सुंदरता है. नॉट ओनली कलर, कॉम्प्लेक्शन, हाइट, पर्सनालिटी, दैट इज इमटेरियल. पहले जो दिल को छूता है वो सुंदर है ना. वो चाहे पेड़ हो, पौधा हो, पंछी,
पंछी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, जो दिल को छूता है वो सुंदर हो। इसीलिए फेस योगा हमेशा करना है, खुश रहना है और वो दिल से करना है। ओके, सो फेस का रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन हमारे दिल से है, तो जुड़े रहे फेस से, दिल से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर व्हाट एवर आई नो, एंड इट हेल्प्स मी टू ग्रो। जब भी सेशन लेते हैं, थैंक यू अंजलि मैम, तो मुझे एक सीखने का या समझने का और एक मौका मिलता है। सो दिल से मैं आप सभी को थैंक यू बोलती हूँ, और फिर कभी मुझे मौका मिलेगा MPK फिटनेस में, ये आशा करती हूँ। थैंक यू।